हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप सभी के रिक्वेस्ट पर आज हम शुरू करने जा रहे हैं बृहस्पति वार या गुरु वार के व्रत की विधि और संपूर्ण कथा। बृहस्पति देव या गुरु को बुद्धि और शिक्षा का देवता मानते हैं और इनकी पूजा करने से धन, विद्या, पुत्र, मन वांछित फलों की प्राप्ति होती है। जो कोई भी इस व्रत को करता है उसका समाज में यश, मान सम्मान बढ़ता है, धन की कमी नहीं रहती। इसलिए ग्रह दोष हो, धन आगमन के लिए, सुख सौभाग्य के लिए, पारिवारिक सुख शांति के लिए, कार्य कुशलता के लिए, मान सम्मान के लिए, विवाह के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए और दरिद्रता को दूर करने की कामना से गुरुवार व्रत को बड़े चाव और पूजा से सभी लोग करते हैं। बृहस्पति देव हो, विष्णु भगवान हो, दोनों की ही पूजा होती है जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और केले के वृक्ष में बृहस्पति देव का वास माना गया है, इसलिए खास कर इस दिन केले के वृक्ष की पूजा की जाती है। कुंवारी लड़कियां इस व्रत को करती है जिससे कि उनकी विवाह में, लड़के लड़कियां सभी कर सकते हैं, विवाह में इससे आने वाली रुकावटें दूर हो जाती है। और अगर आपको भी बृहस्पतिवार का व्रत करना है तो आसानी से आप इस व्रत को कर सकते हैं। बस मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर के व्रत का संकल्प करना चाहिए कि 7, 11, 21, 40, 47, 51, 108 या 1 से 3 वर्ष तक, या आप ताउम्र भी इस व्रत को रख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। गुरुवार व्रत, लेकिन ध्यान रखना चाहिए किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष में गुरुवार से और अनुराधा योग से शुरू करना चाहिए। इस दिन ध्यान रखें किसी की बुराई ना करें। मन को, तन को आप साफ सुथरा करेंगे, मन को भी एकदम प्रसन्न चित्त करके आपको शुरू करना चाहिए। किसी की बुराई, चुगली, झूठ बोलना, किसी की चीज़ लेना, दूसरे के घर का अन्न खाना, इस दिन कपड़े धोना, धोबी से कपड़े प्रेस करवाना, ये भी निषेध होता है। नाखून हो, बाल हो, दाढ़ी हो, ये सब नहीं करने चाहिए, शेविंग आदि। और किसी भी साधु, सन्यासी, बड़े बुजुर्ग, दीन दुखी लोगों का इस दिन मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए और इनकी सेवा करके आपको पुण्य कमाना चाहिए, क्योंकि गुरु ग्रह के कोप का भाजन नहीं तो बनना पड़ता है। इस बात का ध्यान रखें कि अपने घर में ही ये व्रत किया जाता है, कहीं और जाएंगे तो ये व्रत नहीं होगा। सूतक हो, श्यावण हो, जैसे कोई जन्म हो गया या कोई गुजर गया है तो उसके बीच में ये व्रत छूट जाता है। उसके बाद जिस दिन आपके घर पे शुद्धताई हो जाए फिर इस व्रत को चालू करें। पीरियड्स में आप नहीं करेंगे इस फास्ट को, पीरियड्स में स्किप करेंगे फिर आप चालू करेंगे। पुरुष लगातार 16 गुरुवार कर सकते हैं। इस दिन ध्यान रखें, गैया की सेवा करने का भी बहुत धर्म बताया गया है। गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाएं अगर हो सके तो, और केले के पेड़ की पूजा करते हैं, इसलिए इस दिन गलती से भी केला आपको नहीं खाना है, सिर्फ पूजा कर सकते हैं और प्रसाद में बांट सकते हैं, दान कर सकते हैं, ये चलेगा। भोजन करेंगे, इसमें खास ध्यान रखना है नींबू, नमक और दूध का सेवन नहीं होगा। और आप चाहें तो बेसन का चिल्ला बनाएं बिना नमक का, फीका चिल्ला बना के खा सकते हैं। मोतीचूर या बेसन के लड्डू, इमरती, मूंग दाल का हलवा, बेल का शरबत, तिल गुड़ की पट्टी, आप ये सब खा सकते हैं। इसकी कथा शाम को सुननी चाहिए और कथा के बिना नमक का भोजन ग्रहण करना चाहिए। जिस दिन करना हो व्रत उस दिन सुबह सुबह जल्दी उठ करके हल्दी डाल करके जल से स्नान करें। साबुन का प्रयोग वर्जित है। इस दिन आपको मीठा मीठा और येल्लो येल्लो, पीला व्रत है तो येल्लो येल्लो सब करना है और मुख्य द्वार पर झाड़ू मारकर हल्दी के जल का छिड़काव करना है। पूजा स्थल को साफ कर लें, सभी सामग्री एक जगह इकट्ठी कर लें और फिर विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करें। कैसे बोलेंगे? हाथ जोड़ करके। त्रिमूर्ति विष्णु जगत के पालनहार श्री हरि, आपसे ही संसार है, आपके बिना जीवन संभव नहीं है। आपकी पत्नी श्री देवी लक्ष्मी है जो धन और रत्न की देवी है। आपका निवास क्षीर सागर में है, शैया शेष नाग पर है, आपकी नाभि से उत्पन्न कमल पर ही श्री ब्रह्मा जी विराजते हैं। आपके हाथों में सुदर्शन चक्र है जिसके द्वारा आप बड़े बड़े दानवों और दैत्यों का संहार करते हैं। और इसी प्रकार मैं आपसे निवेदन करती हूँ, या मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे जीवन में कष्ट रूपी दानवों का संहार करें। मैं आपको प्रसन्न करने के लिए एक वर्ष तक या जितने दिन भी आप करना चाहें इतने गुरुवार व्रत करने का संकल्प करती हूँ या करता हूँ। इस प्रकार आपको संकल्प करना चाहिए और फिर जल को वहीं छोड़ देना चाहिए धरती पर। फिर आचमन करें, यानी कि थोड़ा सा जल हाथ में लेकर के पी लें हल्का सा, और व्रत के दौरान पूरे दिन ध्यान रखें, उपवास रखेंगे। और नहीं आप कर सकें तो एक समय आप भोजन कर सकते हैं।
फिर भगवान विष्णु की मूर्ति ले लें या फोटो है वो ले लें, जो भी है केले का वृक्ष आप पूजे में रख सकते हैं, या बाद में भी जा करके आप केले के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। आप चाहें आपके पास मूर्ति आदि नहीं है, या आप केले के समीप आप पूजा करना चाहते हैं तो आप केले के वृक्ष के सामने भी बैठ करके आराम से इस पूजन को कर सकते हैं। आप विष्णु भगवान की फोटो या मूर्ति तब रखने की जरूरत नहीं होती है। आगे मैं विधि दिखा देती हूँ आपको किस प्रकार स्नान ध्यान और पूजन किया जाता है भगवान का। आप चाहें तो हर गुरुवार इसी प्रकार से करें, और नहीं तो कम से कम पहले गुरुवार को आपको अच्छे से करना चाहिए। सबसे पहले विष्णु भगवान का पूजन करेंगे तो विष्णु भगवान की एक मूर्ति है मेरे पास, वो ले लूँगी। पंचामृत हम ले लेंगे। पंचामृत में दूध दही घी चीनी और शहद ये डाल करके पंचामृत मैंने बनाया हुआ है, इससे हम अभिषेक करेंगे। और शंख आपके पास है तो उससे आप अभिषेक कर रहे हैं। थोड़े से जल ले लेंगे गंगा जल डाल के, और थोड़े से स्नान के लिए हम चंदन पाउडर हुआ, अष्टगंध हुआ, केसर हुआ, ये सभी चीज़ें हम ले लेंगे। वस्त्र ले लेंगे भगवान के श्रृंगार के लिए, नहीं हो तो आप मौली भी चढ़ा सकते हैं। थोड़े फल हम लेंगे, केला और पपीता चढ़ाया जाता है यूजुअली भगवान को, या फिर बेसन के लड्डू आप अगर हो सके तो मैंने घर पे बनाए हैं वो आप बना सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख भगवान के सामने हम रखते हैं तो वो ले लेंगे, और केस चंदन बट्टा ले लेंगे केसर आदि चंदन बनाने के लिए। भगवान के लिए हम थोड़े से इत्र ज़रूर लेंगे क्योंकि भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं इत्र से, एक जनेऊ लेंगे। थोड़े से आप कच्ची हल्दी या फिर हल्दी पाउडर ले सकते हैं, और तिल से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं इसलिए हम सफ़ेद और काले तिल जो भी हो आप ये ले लेंगे, और गुड़ चने का भोग तो लगता ही है, गुड़ और चने की दाल आपको लेनी है। इसके बाद चंदन की माला आप ले सकते हैं अगर जप आप करना चाहें मंत्रों के, और थोड़े से मैन और श्रृंगार का सामान रख लेंगे भगवान को वस्त्र पहनाने। हवन सामग्री हम ले लेंगे कपूर, और थोड़े से लोबान गूगल ले लेंगे, गोबर के कंडे ले लेंगे। इस प्रकार से अगर हवन आप करना चाहते हैं तो आप हवन सामग्री थोड़े घी आदि आप ले लें। हवन करना ज़रूरी नहीं है, हवन पात्र ले सकते हैं अगर है तो आप ज़रूर करें। गूगल की धूप हम लेते हैं, हमेशा सब लोग पूछते हैं कौन सी गूगल की धूप मैम आप यूज़ करते हैं, तो ये हरी दर्शन जो होता है ये मैं यूज़ करती हूँ। आप ये चाहें तो गूगल की धूप यूज़ करें, अगरबत्ती मैं यूज़ कम करना चाहती हूँ, अगर फ्रेश अगरबत्ती हो तो ही आपको यूज़ करना चाहिए। इसके बाद केले का वृक्ष अगर आपके पास है घर में तो आप केले का वृक्ष अपने पास वहीं पे पूजा स्थल पे रख सकते हैं, या फिर बाहर रख सकते हैं जहाँ पे भी आप चाहें, और एक पाटिए पर पीला वस्त्र लगा करके फिर सारी पूजन आपको करनी है। सबसे पहले हम भगवान विष्णु का अभिषेक करेंगे, ये चीज़ का ध्यान रखें, वस्त्र हटा लेते हैं। जप करते जाएं इस दौरान, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जप करते रहें। सबसे पहले साक्षी मानना है हमें, तो इसलिए हम दीप प्रज्वलित करेंगे स्नान शुरू करने, पूजन शुरू करने के पहले। और थोड़े से पीले चावल हमें नीचे रखने चाहिए, सफ़ेद चावल पूजा में यूज़ नहीं आते हैं, इस बात का ध्यान रखें आप। और जो कलश हम यूज़ करेंगे जल का, उस पर हल्दी से स्वस्तिक चिन्ह बना देंगे हम। अब दीप प्रज्वलित कर लेंगे ताकि दीप को साक्षी मान करके हम आगे का पूजन कर सकें। बोलिए विष्णु भगवान की जय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव। थोड़ी सी हल्दी और थोड़े से काले तिल आप चाहें तो दीप में डाल सकते हैं। हम भगवान का स्नान शुरू करते हैं, बोलिए विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंचामृत से स्नान कराएंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूरा हमें अच्छे से डाल देना है पांचों चीज़ें। आप स्नान कराते रहें, दूध का भाव करें, दही का अलग अलग भाव करें, घी चीनी सबका भाव करें, शहद का। और फिर अब हम इसके बाद भगवान को अभ्यंग स्नान करवाएंगे।
इसके बाद हम शंख से शुद्ध जल चढ़ाएंगे और फिर अभ्यंग स्नान कराएंगे। जो भी हमने सारी चीज़ें केसर चंदन पाउडर और अष्टगंध आदि लिए हैं, ये सभी चीज़ों को मिला करके एक साथ पाउडर है, भगवान को सोप नहीं लगाते, भगवान का साबुन यही होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वंदे विष्णुभवहरं सर्वलोकेकनाथनम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो। भगवान को अच्छे से रगड़ रगड़ के स्नान कराना है, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं भगवान को अच्छे से, और शंख से या फिर ऐसे भी आप शुद्ध जल से स्नान करा सकते हैं। भगवान चमक रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत स्नान हो रहा है, भगवान का अभिषेक हो रहा है। और फिर एक साफ सूती वस्त्र में लेकर के भगवान को आपको अच्छे से स्लोली स्लोली पोंछ लेना चाहिए। बहुत प्यार से भगवान को हमेशा स्नान कराएं, जैसे आप एक छोटे से बच्चे को स्नान कराते हैं, इसी भाव से आपको स्नान कराना चाहिए। और पहुँचने के बाद भगवान को विराजित करें। अब हम इनको वस्त्र और जनेऊ धारण कराएंगे। ये जल जो रहता है इसको आप खुद भी स्नान में ले सकते हैं, बहुत अच्छा होता है, प्रसाद स्वरूप आप इससे स्नान करें, आप देखेंगे कितना आनंद आएगा। और फिर अब हम भगवान को वस्त्र धारण करेंगे। आप चाहें तो धोती गमछा वगैरह पहना सकते हैं, आप चाहें तो अगर आपके पास वस्त्र नहीं है, आप सिर्फ मौली या तस्वीर की जैसे आप पूजन कर रहे हैं, तो आप पंचामृत जरा सा अड़ा दें भगवान को, या लगा दें मतलब, और उसके बाद में वो आप प्रसाद के तौर पे रख सकते हैं पंचामृत। और अभ्यंग स्नान आदि तो होगा नहीं, और वस्त्र में आप जो मौली होती है उससे आप वस्त्र का भाव करके तस्वीर पर आपको चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से देखिए भगवान को जब हम वस्त्र पहना रहे हैं, तो हमें थोड़ी सी मैन मैंने ली थी, अगर आपको स्टार्टिंग में याद होगा तो सेट करने के लिए आपको मैन यूज़ करना चाहिए, थोड़ा सा मैन। ये किसी भी पूजा शॉप में मैन बोलने से मिल जाता है, भगवान को कभी भी सेफ्टी पिन और ये नहीं लगाते हैं, हमेशा श्रृंगार करते हैं, सेवा करते हैं मैन से ही। इस प्रकार से भगवान का सेट हो गया, अब हम इनको माला पहना देंगे। कोई भी हार आप पहनाएं, और फिर भगवान के आगे दक्षिणावर्ती शंख हम रख देते हैं, क्योंकि हम हमेशा रखते हैं, अगर नहीं है आपके पास नहीं भी रख सकते हैं, एक जल का लोटा। और अब हम भगवान का श्रृंगार करेंगे, तो श्रृंगार के लिए चंदन का बट्टा, केसर और गुलाब जल से मैं चंदन बना रही हूँ। ये चंदन बहुत ही सुंदर होता है, भगवान को बहुत प्रिय होता है, हनुमान जी को, आप विष्णु भगवान को, कृष्ण भगवान को, लड्डू गोपाल को, किसी को भी आप चंदन लगाएंगे, राम भगवान को, ये बहुत ही प्रसन्नता उनके लिए होती है। तो चंदन को घस के अच्छे से हमेशा घर में चंदन का बट्टा रखें, ये ज़बरदस्त वशीकरण भी होता है केसरिया चंदन से। आप भी फिर भगवान को तिलक करने के बाद प्रसाद स्वरूप आप अपने फॉरहेड पे सेंटर पे लगाएं, दोनों भावों के बीच में, ये भी बहुत अच्छा होता है, बहुत ही खूबसूरत उपाय है। आप भगवान का श्रृंगार हो रहा है, तिलक हो गया है भगवान का, बहुत ही खूबसूरत अभिषेक हुआ है। और अब हम इसके बाद चावल नहीं लगाते हैं, तो आप थोड़े से तिल लेकर के भगवान के फॉरहेड पे लगा सकते हैं। जनेऊ ज़रूर धारण कराना चाहिए, अगर जनेऊ आपके पास नहीं है तो आप जो कच्चा सूत होता है वाइट वाला, उसको 7 बार लपेट के थोड़े से हल्दी से कलर करके आप उससे बना सकते हैं। इत्र भगवान को बहुत सुगंधित द्रव्य चढ़ाना बहुत ही खूबसूरत होता है, तो सुगंधित द्रव्य चढ़ाइए। हम षोडश उपचार पूजा कर रहे हैं विष्णु भगवान की, ध्यान रखें विष्णु भगवान का हमेशा षोडश उपचार पूजन होता है। पुष्प से पूजन करें, पीले पुष्प चढ़ाए जाते हैं भगवान को, ये ध्यान रखें, पीला छोड़ के कोई भी कलर का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता। तुलसी पत्र भगवान को बहुत प्रिय है, अशोक के पत्ते आप चाहें तो चढ़ा सकते हैं उनको श्रृंगार का भाव करके।
और फिर हम केले का पूजन करते हैं। केले के लिए, पूजन के लिए एक लोटा जल में थोड़ा सा हल्दी आप डाल लें, और फिर इसके बाद आप इसमें थोड़े से चने की दाल और गुड़ का एक टुकड़ा आपको डाल लेना है। फिर इस जल से ओम गुम गुरवे नमः, ओम गुम गुरवे नमः, ओम गुम गुरवे नमः, इस प्रकार से बोलते हुए आपको जल चढ़ाना है। हल्दी से तिलक करें, थोड़े से चने की दाल और गुड़ आपको चढ़ाने चाहिए, और इसके बाद आपको पूजन करने के बाद आपको एक दीप इधर ज़रूर जलाना चाहिए। घी का दीपक हो इस बात का ध्यान रखें। इस दीपक में भी आप चाहें तो थोड़े से हल्दी और थोड़े से काले तिल डाल के दीपक को जला सकते हैं। ध्यान रखें दीपक पूरी पूजा के दौरान जलते रहना चाहिए, बीच में बुझना नहीं चाहिए। धूप दीप दिखाएंगे भगवान को। अब हम पूजन होने के बाद अगरबत्ती, अगर आपके पास सस्ती वाली हो, बैम्बू वाली, वो यूज़ नहीं करना है, प्योर चंदन की अगरबत्ती हो तो आप यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल अपने घर में, और नहीं तो धूप यूज़ करें। धूप मैंने बताया आपको कौन सा धूप, हरि दर्शन वाला यूज़ करना है। धूप दीप कर लें, और इसके बाद अब हम धूप दीप आपको हाथों से हमेशा दिखाना चाहिए इस प्रकार से, और फिर अब हम भोग धरेंगे भगवान को। केले का भोग, केला बहुत प्रिय है, सबसे प्रिय वस्तु है, इसलिए केले का भोग। लड्डू मैंने बनाए बेसन के, और तुलसी पत्र इसमें आपको ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि भगवान को बिना तुलसी पत्र के भोग नहीं लगता। चने की दाल और गुड़, अगर लड्डू नहीं भी आप सिर्फ चने की दाल और गुड़ से भी इस पूजन को करें, मन में वहम ना रखें। पपीता बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, पपीता आप यूज़ कर सकते हैं, और भोजन में भी आप इस दिन पपीता यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको थोड़ी सी गुड़ और थोड़ी सी चने की दाल हाथ में लेकर के सारी कथा सुन लेनी चाहिए। जो लोग भी कथा सुनना चाहते हैं वो मैं आगे लास्ट में सुनाऊंगी, आप सुन सकते हैं। और कथा पूर्ण होने के बाद इस प्रकार गुड़ चने को चढ़ा करके, आप चाहें तो केले के वृक्ष के सामने करें तो वहाँ पर आप चढ़ा दें, और फिर आप पूजन करें, प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद भगवान को भोग आपको लगाना पड़ता है, क्योंकि अभी हमने भोग रखा था लेकिन भोग लगाया नहीं था। अब हम सबसे पहले लौंग इलायची, तांबूल कहते हैं ना पान, लौंग इलायची भगवान को चढ़ाएंगे, भोग अर्पित करेंगे भगवान को। और भोग लगाने के बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हे ठाकुर जी, मैंने आपके लिए ये भोग लाया है, सच्चे दिल से आप इसे ग्रहण करें। तीन बार ताली बजाएं, और फिर थोड़ा सा जल घुमा करके भोग को आपको सरा लेना चाहिए। अब आरती की तैयारी करें। आरती में हमने थोड़े से काले तिल, कपूर और एक बाती रखी है, और इससे अब हम आरती करेंगे थोड़ा सा घी डाल करके। आरती किसी भी आपको जिसमें कथा सुनेंगे वहाँ मिल जाएगी, या पूजा की बुक में मिल जाएगी आरती आपको। आपको ओम जय जगदीश हरे आप कर सकते हैं, या फिर कोई भी विष्णु भगवान की आप आरती करें, आरती आपको कर लेनी है अच्छे से। आरती पहले भगवान के चरण की होगी, फिर नाभि की होगी, फिर श्रीमुख की होगी, फिर उनके माथे की होगी, और फिर नाग देवता की आरती करके आपको रख देना है। आरती के बाद आपको जल घुमा करके छोड़ देना चाहिए। इसके बाद आप अपने ऊपर भी जल छोड़ें, चारों दिशाओं में भगवान को पहले आप आरती दें, फिर चारों दिशाओं में आपको आरती देनी चाहिए, और फिर आपको खुद आरती लेनी चाहिए। इस प्रकार आरती, फिर जो लोग भी उपस्थित हैं उनको भी आप आरती दे सकते हैं। इसके बाद आप मंत्रों का जप करना चाहते हैं तो कोई भी विष्णु भगवान के मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय या बृहस्पति देव का ओम गुम गुरवे नमः, इस मंत्र का आप चाहे तो एक माला, पांच माला, सात माला, जो आपकी इच्छा हो, श्रद्धा शक्ति हो, उतना आप जप करें। आप भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार से आपकी पूजा संपूर्ण होती है। इसके बाद जो लोग भी हवन करना चाहते हैं वो हवन की तैयारी कर सकते हैं। हवन आपको छोटे से रूप से करना है, किसी भी लकड़ी किसी भी माटी के बर्तन में कर सकते हैं। आपके पास हवन पात्र हो तो आप हवन पात्र में कर सकते हैं। थोड़े से गोबर के कंडे, एक रुई की बाती, उसमें मैंने थोड़ा सा कपूर डाल दिया है। आप जलते हुए कंडे गैस पर गर्म करके भी आप हवन कर सकते हैं, या फिर हम यहीं पर कर रहे हैं। थोड़ा घी डाल दें इसमें, और फिर आप इनको बीच में जो बाती आपने रखी है उसको आप जला लें। थोड़ा कपूर ऐड करेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा हवन करने में।
कपूर, लौंग, इलायची आप शुरू में ही ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जोत को जलाएं और जोत जगाने के बाद अब देखेंगे थोड़ी सी हम लोग हवन के लिए जो समिधा है वो तैयार कर लेंगे। सभी चीज़ें पीले चावल में मिक्स कर लेंगे। पीला चावल कैसे बनाते हैं, भगवान को सफ़ेद चावल नहीं चलता, तो चावल में थोड़े से हल्दी और बिल्कुल थोड़ा सा आप जल मिला लें, हल्का सा जल का छांटा भर देना है आपको और सब मिक्स कर लें। देखिए पीले चावल आपके रेडी हो जाते हैं। पीले चावल को लेकर के इसी में सब सामग्री मिला देंगे, थोड़े से चने की दाल, काले तिल, गुड़ और आप लोबान और गूगल भी इसमें चाहे तो मिला सकते हैं, काले सफ़ेद जो भी आपके पास तिल है, जितनी हवन सामग्री आपने ली है वो सभी आपको ऐड कर देनी है। ये लोबान और गूगल है, गूगल हम थोड़ी सी ले रहे हैं और थोड़ी सी हवन सामग्री मेरे पास है वो हम ले लेंगे। केसर थोड़े से देखिए इस हवन में आप डालें तो बहुत अच्छा रहता है। और थोड़े से आप हल्दी की गांठ एक ले सकते हैं हवन में, ये भी बहुत फ़ायदेजनक होता है। और साथ में आप ये सभी चीज़ों को अब मिक्स कर लें, थोड़ा घी इनमें मिक्स कर लेना चाहिए समिधा बनाने के लिए। काफ़ी लोग पूछते रहते कि हवन कैसे होता है, हवन तो आज मैंने बता दिया आपको हवन कैसे करते हैं। विष्णु भगवान का हवन इसी प्रकार से हमेशा आपको करना चाहिए और फिर दो उंगलियों से आपको फर्स्ट उंगली छोड़ करके हवन में समिधा डालनी चाहिए। ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से आप बोलते हुए व्रत करें। किसी पर्टिकुलर मंत्र से आप 108 बार करना चाहते हैं तो वो भी वैसे भी आप हवन कर सकते हैं। और ध्यान रखें थोड़े से अगर आप शम्मी की लकड़ी है मेरे पास या चंदन की लकड़ी आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। ये बहुत लकी होता है, धनदायक होता है, शनि के दोषों को मिटाता है और विष्णु भगवान घर में धन संपत्ति का वास करते हैं। तो शम्मी की लकड़ी अगर आपको कहीं से मिल जाए तो ये आप ज़रूर डालें आप। और थोड़े से इत्र, इत्र बहुत लकी होता है, ये लो बाण हमने डाला है, इत्र बहुत लकी होता है, इत्र अगर हो सके तो इत्र से आप हवन करें, ये भी बहुत शुभदायक होता है। इस प्रकार से आपको हवन संपूर्ण करना चाहिए, आपकी पूजा संपूर्ण होती है। जो लोग भी उद्यापन करना चाहते हैं वो उद्यापन के दिन पहले 5 चीज़ें लाकर रख लें, चने की दाल, गुड़, हल्दी, केले, पपीता और पीला कपड़ा। 1.25 मीटर आपको पीला कपड़ा लेना होता है। चने की दाल, गुड़, हल्दी आप 1.25 पाव भी ले सकते हैं, एक एक पाव भी ले सकते हैं या 1.25 किलो भी ले सकते हैं। और फिर आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार इस पर दक्षिणा रखनी चाहिए, जो भी आपकी इच्छा हो। गुरुवार को हर व्रत की तरह यथावत पूजा के बाद प्रार्थना करिए कि आपने संकल्प के अनुसार अपने व्रत को पूरा कर लिया है और भगवान आप पर कृपा बनाए रखें। आज आप पूजा का उद्यापन करने जा रहे हैं और पूजा में ये सारी सामग्री भगवान विष्णु को चढ़ाकर आपको किसी ब्राह्मण को, किसी बालक को आपको दे देना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। दोस्तों इस विधि से, व्रत करने से आपके सभी कष्ट दूर होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हर दरिद्रता, हर संकट को टालने के लिए, संपन्नता घर में बनाए रखने के लिए, सुख शांति बनाए रखने के लिए आपको इस विधि से पूजन करना चाहिए, इस व्रत को संपूर्ण करना चाहिए। अपने व्रत को पूर्ण करने के बाद उठ करके सभी बड़े बुजुर्गों को आपको प्रणाम करना चाहिए और हाथ जोड़ करके उनकी, अगर कोई भूल चूक आपने की है तो उसकी क्षमा मांगनी चाहिए। पूरे सच्चे दिल से इस व्रत को करें और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में बहार आती है। आगे जो लोग भी कथा करना सुनना चाहते हैं वो सभी कथा का श्रवण करें। बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्राचीन काल की बात है, किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वो प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और भूखे और गरीबों को दान दे करके पुण्य प्राप्त करता, परंतु ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती, ना ही किसी को एक पैसा दान में देती और राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन में चले गए, घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए और साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ।
बृहस्पति देवी ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय बनवाओ, बाग बगीचे का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूं तुम वैसा वैसा करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना और राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार तक करोगे तो तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकूंगा। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया और वहाँ वह जंगल से लकड़ी काटते लाता, शहर में बेचता। इस तरह वो अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी और एक दिन जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी के बहन के पास गई और उस दिन गुरुवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वो दुखी हो गई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। इधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इसलिए वो बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी। जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, मैं तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी और रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक गड़ा मिल गया और यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत को कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। और व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर में लौट गई। 7 दिन तक जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा, गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर के आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। और जब अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी हो गए। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को देकर गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है।
रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक गुरु बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाए। और उस रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा और जंगल से लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा और जंगल से गुजरते हुए विचार करने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर में रहना पड़ा, जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचकर गुजारा करना पड़ा और अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं, वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और अब तुम भी बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान के केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करना तथा दीपक जलाना और कथा को सुनना, उस दिन एक ही समय भोजन करना, भोजन पीले पदार्थ का करना और भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा नहीं बचता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे उसका समाचार जान सकूं, फिर मैं कौन सी कहानी कहूं ये भी मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना, तुम्हें रोज से दुगुना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। जो तुमने बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा है वो इस प्रकार है। प्राचीन काल में बहुत निर्धन ब्राह्मण था, उसकी कोई संतान नहीं थी, नित्य पूजा पाठ करता, उसकी स्त्री न स्नान करती न किसी देवता का पूजन करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे, अपनी पत्नी को समझाते लेकिन उसका परिणाम नहीं निकलता। और भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई, बड़ी होने लगी और प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप करती। बृहस्पतिवार का धीरे धीरे व्रत भी करने लगी, पूजा पाठ करके पाठशाला जाती और अपनी मुट्ठी में जौ भर के लेके जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटती तो वही जौ स्वर्ण के हो जाते, उनको बीन कर घर ले आती। और एक दिन वो बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी, तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था, कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, यदि सच्चे मन से मैंने आपकी पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वो घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का ढंग वही रहा। एक दिन की बात है, जब कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी, उस समय नगर का राजकुमार वहां से निकला और कन्या के रूप और कार्य को देखकर उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन और जल त्याग कर उदास होकर के लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार मिला तो अपने मंत्रियों के साथ वो अपने पुत्र के पास गया और पूछा, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया या कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार बोला, हे पिताजी, मुझे किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा कोई अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी।
राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गया और मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया और कुछ दिन के बाद ही ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया और एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन फिर कुछ दिन बाद वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माँ को यहाँ लेकर के आए, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री ने अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजा करो, बृहस्पतिवार का व्रत करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक नहीं सुनी, उठकर सुबह सुबह अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लेती और एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया तो उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। सुबह उसे स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वो नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग लोक को गई और ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु बने देवता वहां से लोप हो गए और धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लेकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगले गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए और उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी मेरे यहाँ भोजन करने आए, किसी के घर चूल्हा न जले, इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी दे दी जाएगी। राजा की आज्ञा के अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में पहुंचे और लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे का भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको जेल में डलवा दिया और लकड़हारा जेल में विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म है कि मुझे बार बार दुख प्राप्त होता है और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, उसे कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेलखाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना, वो निर्दोष है। और रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ मिला। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया और जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, यह किसकी बाग और धर्मशाला और मंदिर है? तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास धन कहाँ से आया होगा। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने महल में लेवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने सारी कथा कह सुनाई कि यह सब धन हमें बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा और रोज व्रत किया करूँगा।
अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो मैं अपनी बहन के यहाँ हो आऊँ। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें रोक कर राजा कहने लगा, अरे भाइयों मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वो बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मुर्दा वहां खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे बृहस्पतिवार का व्रत सुनने के लिए कहा कि जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। ऐसा कहकर किसान चला गया। राजा आगे चल पड़ा और राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए। किसान के पेट में दर्द होने लगा और उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा कि बेटे ने यह हाल सब बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भी भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो देखने लगा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले? बहन बोली, हे भैया ये देश ऐसा ही है, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं बाद में कोई दूसरा काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर वह देखने चली गई, परंतु उसे भी कोई व्यक्ति ना मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। फिर वो एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वो तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन मैं अब अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, हाँ चली जा, मगर अपने लड़कों को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया मैं तो चलूंगी मगर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तू जाकर क्या करेगी? अपनी बहन को भी छोड़कर दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से सारी कथा बताई कि हम निः संतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। बिना भोजन किए वो शैया पर लेट गया। रानी बोली, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। और उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई और 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी स्त्री बिना भोजन के रह सकती है परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बड़ी खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ गई। और रानी ने तब उससे कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई? तो राजा की बहन बोली, भाई मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हारे घर औलाद कैसे होती? बृहस्पति देव सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन करते हैं, व्रत को सच्चे हृदय से करते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर के जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलिए श्री बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। बृहस्पतिवार व्रत कथा संपूर्ण होती है। जो लोग भी आरती करना चाहते हैं बृहस्पति देव की आरती कर सकते हैं या फिर ओम जय जगदीश हरे कर सकते हैं। बृहस्पति देव की आरती और ओम जय जगदीश हरे दोनों लिखी हुई है, आप देख के पढ़ सकते हैं या फिर साथ साथ गा सकते हैं। जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं।
खाऊं कदली फल मेवा, जय बृहस्पति देवा। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, प्रभु सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर जो तेरी शरण पड़े, प्रभु जो तेरी शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब हो कर, प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक सब संशय तारो, स्वामी सब संशय तारो। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद बंद सो, ज्येष्ठानंद बंद सो, सुनिश्चय पावे। जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा, जय बृहस्पति देवा। बोली बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, आज के आनंद की।